चाची जी, सरदार जी और छोटे सरदार लौट आए। चाचा जी आप चिंता ना करो, चाचा जी जल्दी रंजीत के साथ महल लौटेंगे। मुझे लगता है परजाई जी, आपको ना आराम करना चाहिए। नहीं होगा, रुको रे। आंखें बंद करके बुरे सपने देखने से बेहतर है आंखें खुली रखकर दोनों की राह देख लो। क्यों तुम्हें हर बात छिपानी होती है रंजीत, पता नहीं किस मुसीबत में हो तुम। महासिंह जी आ गए। ध्यान नाल पर जाए जी। कहाँ थे आप और रंजीत कित है? ओए राजकुमारे, रंजीत ठीक है। पर वो आया क्यों नहीं आपके साथ? क्योंकि वो अपने मकसद को पूरा करने की तैयारी में जुटा है। मकसद की तैयारी? हाँ पुत्र, देश का तारा बनने की तैयारी। पर कहाँ चाचा जी? रोमन वीर सिंह, मैं ये रहस्य किसी को नहीं बताऊंगा। होए, आम खा पुत्र, गुटलिया नागिन। अरे मैंने भी भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। सेवकों, ये छोटे सरदार, शस्त्र तैयार करो, हम अभ्यास करेंगे। इस पहर अभ्यास? अगली बार से मेरे हुक्म पर सवाल मत करना। जाओ और सुनो, हमें अभ्यास में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं होगी। गुड मॉर्निंग चाची जी, आपकी गुड्डू की शादी हो रही है ना? हाँ पुत्र। उसे कहना कि बेटी ही पैदा करे, ये लड़के ना बड़ा सताते हैं माँ बाप को। अब रंजीत सिंह को ही देख लीजिए। लो पुत्र, हो गया। मेहताब पुत्र, सब दे मुंह नहीं लगते, और भला दासियों के साथ ऐसी बातें कौन करता है? बेबे, गुनवंत चाची ने बचपन से मेरी देखभाल की है, कम से कम उन्हें तो दासी मत कहिए। बिल्कुल सही कहा मेरी मेहताब कौर ने। मेरी तरफदारी करने से कुछ नहीं होगा पिताजी, आप महा चाचा जी से पूछिए ना कि रंजीत सिंह कहाँ गए। कल तो उन्होंने बिल्कुल ही चुप्पी साध ली थी, बस इतना बताया कि रंजीत सिंह ठीक है और किसी तैयारी में लगा हुआ है। मेरी बात भी टाल दी उन्होंने। मुझे भी जानना है कि रंजीत सिंह कौन सी तैयारी कर रहा है, कहाँ कर रहा है। आप महाप्राजी से पूछिए ना। पर सदा कौर, अगर महासिंह कुछ नहीं बता रहा है तो जरूर कोई कारण होगा। वाह जी वाह, और हम तीनों को तो चिंता हो रही है, उसकी कोई फिक्र नहीं है आपको? राज प्रजाई जी, मैं मेहताब, जब तक हम तीनों को ये पता नहीं चल जाता कि रणजीत आखिर किस तैयारी में लगा है, कहाँ है, ठीक तो है कि नहीं, हमें चैन नहीं आने वाला। पुत्र बात तो सही है। ठीक है, मैं वीरे से पूछूंगा। हाँ बिल्कुल पूछो, और वैसे भी एक आप ही तो है जिनके सवालों को वो कभी नहीं टालेंगे। आपको अपना जिगरी जो मानते हैं, और मुझे तो पक्का यकीन है जी कि वो ना आपसे कुछ नहीं छिपाएंगे। गतका, हमारे गुरु महाराज की सिखाई इस शस्त्र विद्या में तलवार के बदले में लठ का इस्तेमाल होता है। एक ऐसी विद्या जो हमारे शरीर और मन की ऊर्जा में तालमेल बैठाती है।
गुरबख्श सिंह, अब तू सभी रियासतों की इस एकजुट खालसा फौज का सरदार बन गया है। तो बता, इस ओहदे पर पहुंचकर तेरा सबसे पहला कदम क्या होगा? वीरे, अपने आने वाली पीढ़ी को उनके आने वाले कल के लिए तैयार करना, अपने बच्चों को भविष्य की चुनौतियों का डटकर सामना करने का हौसला देना। बच्चों से ध्यान आया? रंजीत किधर है वीरे? वो अपनी तैयारियों में लगा हुआ है, छोड़ना उसे। वीरे तू मुझे बता सकता है? मुझे भी फिक्र है रंजीत की। हाँ प्रभा, मैं समझता हूँ, पर इससे भी ज्यादा जरूरी बात है करने को, इस खालसा फौज की तैयारी। एक आप ही तो है जिसके सवालों को वो कभी नहीं डालेंगी। आपको अपना जिगरी दोस्त जो मानते हैं। प्रभा, मुझे लगा हम यहाँ सीमा सुरक्षा के बारे में बात करने वाले थे। हाँ वीरे, पर शायद अभी मैं तैयार नहीं हूं। पूरी तैयारी कर लूं फिर इस मुद्दे पर बात करूंगा। संयम से काम लो छोटे सरदार। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, योद्धा का अंदर से शांत रहना बहुत जरूरी है। अपनी मन की आंखें खोलिए। लगता है सूरज कहीं और से निकला है। मेरे पुत्र गुलाब का निशाना चूक रहा है। निशाना तो चूकेगा ही ना पिताजी, क्योंकि इस समय मेरा सारा ध्यान सिर्फ उस रंजीत के खुफिया इरादों का पता लगाने पर है। पता नहीं किस तरह की तैयारी कर रहा होगा वो। तुम्हें रंजीत की नहीं, अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप घबराहट काबू नहीं कर पाएंगे तो दुश्मन आपकी कमजोरी पहचान जाएगा। मन की सुनिए,